सिर्फ यवतमाल में ही नहीं, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन जिलों में जहाँ जहाँ पर भी हमारी ताकत है वहाँ पर हम लड़ रहे हैं। जहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन हम लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम्स, दलित्स, ओबीसीज, ये तीनों समाज को मिलवाकर एक नया कॉम्बिनेशन लाकर एक पॉलिटिकल ताकत किस तरह से हो सकती है, ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह के ऊपर हम 2 सीटें लड़ रहे हैं तो कुछ जगह के ऊपर हम 20 सीटें लड़ रहे हैं। मकसद यही है कि हर जगह पे आपको ये नतीजों के बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सिर्फ मजलिस एक शहर या 2 शहर में नहीं, इंशाल्लाह हर गांव में, हर शहर में आपको मजलिस नजर आएगी। देखिए, मतलब ये जो हमारी कैंडिडेट है ये दलित समाज से है और ये एक खुली बात है अब कि मुस्लिम्स जो है ये बड़ी ओपनली है, तो हम लोगों ने दलितों को साथ लेने का हमने ये किया है। अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में दलितों का एक बहुत बड़ा एट्रोसिटी का एक मोर्चा निकला था, उसमें MIM अकेली एक पार्टी थी। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सिर्फ अकेली MIM पार्टी थी जिसने ओपनली सपोर्ट करी, और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करी, हमने उस मोर्चे के अंदर पूरा सहभाग किए। हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, हमारे पूरे वर्कर्स उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए। करीब 2.5-3 लाख लोगों का वो मोर्चा था। तो हमने एक चीज को समझा है और दलित समाज भी अब ये चीज को धीरे धीरे समझ रहा है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है जिस तरह मुसलमानों का इस्तेमाल इलेक्शन के वक्त होता आया है कि महज आप वोट डालो, सत्ता मत मांगो। अब हम उनको ये करके दिखाएंगे कि यवतमाल में अगर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे कॉर्पोरेटर्स रहेंगे, नगर अध्यक्षा हमारी दलित बहन रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आता है तो कहीं जगह के ऊपर हम ऊपर रहेंगे, वो साथ में रहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है। और अब दलित समाज को भी ये बात समझ में आ रही है कि MIM ही एक ऐसी पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, हम लोग हैं कि जो दलितों के मुद्दों को दलित के नेता उतना नहीं उठा रहे हैं जितना हम लोग उठा रहे हैं। देखिए सर, मैं ये बिल्कुल इस बात से मुकर नहीं रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि पुसत में एक्चुअल में क्या हुआ है, लेकिन ये सही बात है कि नगर परिषद के इलेक्शन जहाँ जहाँ पर हो रहे हैं, हमें अंदर की राजनीति किस तरह से होती है, छोटे छोटे शहरों के अंदर किस तरह से खरीदो फरोख्त होता है, लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए, मजलिस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे देखकर नहीं जुड़े हैं या किसी वहां के स्थानिक नेता को देखकर नहीं जुड़े हैं, वो मजलिस से एक जुनून की तरह मोहब्बत करते हैं। वो असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब को देखकर एक दीवानगी के हद तक मोहब्बत करते हैं। अब इस दौरान, इस इलेक्शन के दौरान हमको ये समझ में आया है कि कौन हमारे अंदर ही ऐसे लोग थे जो बिकाऊ आइटम्स थे, जिन्होंने वही हरकत करी जो आज तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान लीडर करते आते थे कि चुनाव के वक्त में पूरी कौम को बेच दिया जाए चंद अपने पैसों के लिए। तो कुछ जगह के ऊपर ऐसी शिकायत आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ये मामला हुआ है। इक्के दुक्के जितने भी लोग थे वो निकल गए हैं और जिनके बारे में हमें शिकायत मिली है उन्हें हम खुदाफिस कर देंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि हमारे को भी मतलब कचरे को साथ में लेकर हमारे को चलना नहीं है। हमारे साथ शेरों की जमात है, इंशाल्लाह शेरों को लेकर चलेंगे। सर, तो आपकी पार्टी ने उनके ऊपर जो FIR दर्ज की है, तो सर आप क्या इनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे मतलब पूरी जानकारी ये नहीं है कि मतलब किस बुनियाद के ऊपर है तो ये केस रजिस्टर किया गया है, लेकिन हाँ, ये एक सही हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स है उनकी ये भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा कि भैया मैंने इस आदमी को अपना नेता माना था, ये आदमी को हमने चुनाव में खड़े रहने का, और अचानक इसने किसी के साथ साठगांठ करके तो गायब हो गया है, फरार हो गया है। तो वहाँ की स्थानिक भावनाओं से, अब हम ऐसा नहीं है कि पार्टी लेवल के ऊपर हम ये फैसला करेंगे कि पुसत के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके, ये वहाँ के लोकल लेवल के ऊपर वहाँ के कार्यकर्ताओं को अगर ऐसा लगा होगा, वहाँ के दूसरे लीडर को लगा होगा कि हमारे पीठ में छुरा घोपा गया है, तो वो ये एक्शन ले रहे होंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये पार्टी का कोई पॉलिटिकल या पॉलिसी डिसीजन है कि जहाँ पर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। देखिए, अगर जो भी इस तरह की बेईमानी करेगा, कौम के साथ गद्दारी करेगा, हमें या पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद उन्हें बता देगी उनकी जगह क्या है। अभी बताया है कि हमारी जो रैली हुई है वो भर भरों प्रतिसाद मिला मिला है हमारा, तो ये कहाँ से मिला है, ये क्यों मिला है? उसमें तो असद साहब भी नहीं गए थे, उसमें तो हम गए थे। सोचिए आप, अगर उस रैली के अंदर अगर असद साहब रहते तो क्या हालत रहती थी करनी।
तो ये एक लोगों का जुनून है साहब, लोगों की मोहब्बत है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता आया है, आज मेरी अपनी जमात आई है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर एक को ये सोच लगने लगा है यार ये मेरी जमात है, मेरे बुरे वक्त में ये मेरे लोग खड़े रहेंगे मेरे साथ में। तो ये इसको हम पॉलिटिकल नजर से, हम भी इन लोगों को है तो पॉलिटिकल नजर से नहीं देखते हैं कि हम आएंगे इनके पास इलेक्शन के वक्त में वोट मांगेंगे फिर गायब हो जाएंगे। एक रिश्ता है इन लोगों के साथ, उन लोगों ने हमारे साथ एक रिश्ता बनाया है, इंशाल्लाह वो रिश्ते को कायम करेंगे। इलेक्शन में जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग बात रहती है, उसमें हम ये दावा नहीं कर रहे हम जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं हर जगह के ऊपर हम जीतेंगे आप, लेकिन एक जो रिश्ता हम बना के रख रहे हैं, हम फॉर्म को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का जो काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आज तक वो काम किसी ने किया नहीं। यवतमाल की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हमारे शहर सदर जो है शाज भाई और हमारे दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो हमारी नगर अध्यक्ष हो और दूसरे कैंडिडेट्स, इन सबको आप साथ दीजिएगा, इन्हें कामयाब करके लेके आइए। और आपको ये एहसास होगा कि ये जीत कर आएंगे तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करेंगे। मजलिस एक ऐसी जमात है जो अपने चुने गए लीडरों के ऊपर पूरी तरह से नजर रखती है कि ये अपने जनता ने जो भरोसा इनके ऊपर जताया है वो भरोसे के ऊपर खड़े हैं या नहीं है करके। मैं आमदार चुनकर आया हूँ लेकिन हर तीसरे दिन को मुझे भी असद साहब का फोन आता है और वो पूछते हैं कि ये काम हुआ है ये काम नहीं हुआ है। मैं आमदार होने की हैसियत से मेरे औरंगाबाद के कॉरपोरेटर्स के ऊपर पूरी नजर रखता हूँ। तो ये एक ऐसी जमात है जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, वो भरोसे के ऊपर हम इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इतने सालों तक आपने सबको आजमाया है, एक बार मजलिस को भी आजमाइए, पता उड़ाइए और कामयाब होइए। धन्यवाद।